उमामंडल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और ये ब्लॉग मैं दोपहर से स्टार्ट की हूँ। अभी देखिए, मैं जस्ट नहा धोवा के आई हूँ और हमारे घर क्या बना है। सुबह में दाल चावल आलू बैंगन का सब्जी बना हुआ था, लेकिन इस समय देखिए क्या बना है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। आप लोग देखिए, अरवी का पकौड़ी है, मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगता है। दाल चावल है, यहाँ पे भी पकौड़ी है, ये बाबू के लिए है, और ये सब्जी है, ये मेरे लिए है। मतलब ये सब्जी मेरे लिए है, लेकिन ये वाला बाबू के लिए है। अभी खाएगा, बाबू भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी। मेरे वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग भी आकर के खा लीजिए, जिनको जिनको पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब चीज़। तो मैं जा रही हूँ खाना खाने, अभी बज रहा है 2। आप लोगों को मैं दिखा भी दे रही हूँ, नहीं तो बहुत सारे मेरे दुश्मन भी हैं। ये वीडियो बनाने से मेरे घर हो और या कोई भी हो, बहुत ज़्यादा दिक्कत है मेरे वीडियो बनाने से। कहीं के भी हो, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ेगा तो मैं नाम भी रखूँगी और प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे वीडियो बनाने से। पहले तो सही था, लेकिन अब नहीं सही है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि मैं आगे तक जाऊँ। पहले ये लगता था लोगों को कि मैं आगे तक नहीं जाऊँगी, ऐसे बस बकवास के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। लेकिन अब जब देखे हैं कि मैं ऊंचाई पे ऊंचाई चढ़ती जा रही हूँ, तो शायद उन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है जो मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। तो कौन है जो टॉर्चर कर रहे हैं? अपने ही हैं, खास अपने हैं जो बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं वीडियो ना बनाने के लिए। और ये कौन है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। आप लोग मेरे वीडियो में बने रहिए, मैं खुद बताऊँगी कौन है ये। अभी मैं दिखा रही हूँ कि टाइम कितना हो रहा है। बाबू अभी हाथ पैर गया धुलवाने, क्योंकि उसी समय से खेल रहा था। देखिए वहाँ पे घड़ी है, उसी घड़ी में दिखाई दे रहा होगा टाइम। मिलती हूँ आप लोगों से खाना खाने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हमारे घर पकौड़ी बनने के बाद फिर से क्या बना है, आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना ये लोग खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं लोग। बहुत सारे लोगों को अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब खाना। पकौड़ी हुआ या जो बना है, वो हम लोग बहुत चाव से सभी हम लोग खाते हैं। देखिए क्या बना हुआ है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। देखिए गोजा पिट्ठा बना है, देखिए आप लोग ऐसे ही मैं झूर झूर खाती हूँ। देखिए गोजा पिट्ठा बना हुआ है, मैं आप लोग को बैग के अंदर बना है। हमारे घर पकौड़ी बन गया, उसके बाद से ये बना है, मुझे खाना था। अब मुझे ये सब बहुत ज़्यादा ठंडी में पसंद आता है, इन पकौड़ी, अरवी का पकौड़ी और ये गोजा पीठा। ऐसे हल्का हल्का तेल में तलवा दी हूँ, झूर हो गया है, उसके बाद से हल्का सा नमक फेंट करके फिर हम खाएंगे। और करिए, क्योंकि अभी हम लोग सो सो कर सभी लोग उठे हैं और खाना पीना पे भिड़े हुए हैं। तो बाबू अभी गए हैं दोनों लोग कोचिंग करने, खाना पीना खा करके। और बाबू मेरा खेल रहा है बाहर, तो मेरी सिस्टर अभी अंदर है, बना रही है। मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और एक सिस्टर अभी कपड़ा डाल रही है। तो अभी वैसे का वैसे है हमारा घर। अभी अब खा पी लेंगे, उसके बाद इसे अच्छे से करेंगे लोग। तो आप लोग देख रहे होंगे, तो प्लीज़ आप लोग नेगेटिव कमेंट मत सोचिएगा कि घर कैसे बिखरा पड़ा हुआ है। हमारे घर कोई सामान ऐसे बिखरा नहीं रहता है, हम लोग को खुद अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि लड़की हैं तो अच्छे से संभाल कर रखना हम लोगों का फ़र्ज बनता है। तो अभी वैसे का वैसे सभी लोग फटाफट काम कर रही थी, क्योंकि बाबू दोनों लोगों को कोचिंग जाना था इसलिए। और अब हम लोग खाएँगे, आप लोग भी आइए खा लीजिए। देखिए कितना मस्त झूर झूर बना हुआ है। तो अभी खाने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बाय बाय दोस्तों।